वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। तो पूरा टॉपिक मैं एंड करूंगी एक वीडियो से, ये बहुत स्पेशल वीडियो है। शुरू में मैं क्या बोलूंगी आप लोगों को, बोलूंगी वीडियो एक लाइक के साथ देखिए और मेरे वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब अभी कर दिया है आप लोगों ने तो थैंक यू सो मच, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दीजिए। और न्यू फ्रेंड्स के बोलूंगी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दीजिए, लाइक भी दे दीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए ठीक है। যেটা দিয়ে এন্ট না করলে বাঙালির মনে শান্তি নেই। তো পূজা শপিং মে এন্ট করি এক ভিডিও সে, এ বহুত স্পেশাল ভিডিও হে, ক্যুকি জব মে ছোটি থি তব সে ইসসে হামারা পূজা শুরু ভি হোতা হে অর জো খুশি মিলতা থা পূজা শপিং কা ইহাঁ সে হি হোতা থা। তো আপ লোক সমঝ রহে হো না জো বেঙ্গলি হো ওয়েস্ট বেঙ্গল কে, হ্যাঁ মে গড়িয়াহাট শপিং কে বারে মে বোল রহি হো। तो क्या होता है, मैं जब कॉलेज में थी जब पापा के साथ जाती थी तो पापा के साथ जाके उधर से शॉपिंग करती थी, तो गोड़ियाहाट जाती थी और तब हाथी बागान भी जाती थी, शाम बाजार जो मार्केट है हाथी बागान जो होता है, मेनली मैं हाथी बागान और गोड़ियाहाट में जाती थी। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तब मैं मेनली गोड़ियाहाट जाती थी, हाथी बागान कभी कभी क्योंकि वो बहुत पास था तो शायद इसीलिए ज़्यादा नहीं करती थी, गोड़ियाहाट जाती थी और जाती थी न्यू मार्केट। उसके बाद सियारा मार्केट आया तब मॉल वॉल नहीं होता था, हम लोग उधर से ही खरीदते थे, तब मुझे लगता है शॉपिंग ज़्यादा अच्छा होता था। जब बिल्कुल छोटी थी तब पापा लेके जाते थे कोलकाता में और लेके खरीदते थे, और कहीं पे हमारा जहाँ पे घर था वहाँ पे मार्केट में खरीदती थी। फिर बाद में मॉल आ गया तो मतलब मुझे तो लगता है मॉल शॉपिंग थोड़ा आधा ही हो गया, जो पूजा मार्केटिंग होता है ना शॉपिंग को तो उसका मज़ा। अभी भी मुझे गोड़ियाहाट में घूम घूम के शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैं घर गई थी, जब घर गई थी तो तब मैं कुछ शॉपिंग करके लेके आई, तो वो मैं बोलूँगी कि पूजा शॉपिंग अगर वो मैं नहीं दिखाऊंगी तो कंप्लीट नहीं होगा। वो सारे आज मैं पैकेट से निकाल लिया है, सारे नया है, कुछ कुछ जो मैं पहन लिया वो नहीं दिखाऊंगी, पर जो नया है अभी भी वो मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि जैसे होता था ना जब मॉल नहीं था, ऐसे जो ब्रांड नेम है जो हम लोग अभी बोलते हैं, ये जैसे मैंने ये पहन लिया तो ये शायद मैंने कहाँ से लिया था, ओइस्ट साइड से लिया था, ओइस्ट साइड वगैरह कुछ मैं नहीं जानती थी, मैं जब कॉलेज में पहनती थी मैं तो गोड़ियाहाट मार्केट में जाती थी, तो वही मैं उधर से जाती हूँ तो मैं नाइटी स्कर्ट कुछ कुछ ऐसे ड्रेस भी खरीद लेती हूँ, दुपट्टा खरीदती हूँ। तो इस बार भी मैं थोड़ा थोड़ा, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गोड़ियाहाट के जांग ज्वेलरी, वो तो मैं हमेशा खरीदती हूँ। ये सब तो कभी देख लिया अच्छा लग रहा है चलो ले लेती हूँ ऐसे टाइप का, पर जांग ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो भी मैं लेके आई हूँ, थोड़ी बहुत लेके आई हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था और कलकत्ता में थोड़ा काम भी था तो गोड़ियाहाट में जस्ट विजिट करके कुछ कुछ चीज़ लिया था, वही मैं शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ एक अनारकली कुर्ती से। तो मेरी फर्स्ट अनारकली जो कुर्ती है, तो मतलब जब ट्रेंड आया फिर से तब इसको पाखी बोलते थे, एक टीवी सीरियल था पाखी करके कोई नाम था, मैं भूल गई हूँ टीवी करेक्टर का नाम था पाखी जो हीरोइन था, तो वो पाखी पहनती थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम जाके दक्षिणापन से और कुछ गोड़ियाहाट से लिया था, मेरी माँ ने कहा था चल मैं तुझे देती हूँ तो पाखी के जैसे कुछ ड्रेस खरीद ले, तो मैंने किया था वो फर्स्ट टाइम, उसके बाद किया नहीं था। तो गोड़ियाहाट में जो मैंने लिया था ड्रेस वो बहुत अच्छा था, दक्षिणापन में और भी अच्छा था। मुझे ड्रेस के बारे में लगता है गोड़ियाहाट इतना अच्छा नहीं है, नाइटी वगैरह खरीद लो तो ठीक है, पर ड्रेस ऐसे घर के लिए ठीक है, बाहर के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर चलता है कॉलेज वगैरह जाने के लिए और रेगुलर यूज़ के लिए चलता है। तो ऐसी एक ये है, देखिए सुंदर है, पार्टी में भी पहन सकते, ऐसा वाला है। तो ये एक मैंने कुर्ती लिया और ज़्यादा स्कर्ट लिया, तो स्कर्ट के अंदर देखिए अंदर अस्तर भी है, लाइनिंग है, तो देखिए कितना सुंदर है स्कर्ट। तो मैंने बहुत सारा लिया,
तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मैं स्कर्ट ऑनलाइन अमेजोन से शॉपिंग करती हूँ। मुझे नहीं पता है कोई मार्केट और स्कर्ट मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे स्कर्ट ऐसे सेल हो रहा है। प्लाजो वगैरह मिल जाता है पर स्कर्ट नहीं मिलता है, तो मैं अमेजोन से ही ज्यादा खरीदती हूँ। तो इस बार गोरियाहाट गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले जैसे मैं बहुत स्कर्ट पहनती थी जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो इस बार भी मैंने बहुत सारा स्कर्ट खरीद के लिया है क्योंकि वहाँ का स्कर्ट थोड़ा अलग ही होता है। तो देखिए ये भी एक है और उधर का स्कर्ट का ये देखिए जो घेर बोलते है ना ये बहुत अच्छा होता है। तो ये भी फ्लावर है देखिए, छोटा छोटा फ्लावर है, बहुत अच्छे अच्छे मिला है मुझे। और साड़ी तो मैं फ्लावर ही ज्यादा लेके आई हूँ। ये भी एक है देखिए कितना अच्छा है। सुंदर है ना, है। तो ये था, अभी मैं दिखाऊंगी जांग ज्वेलरी। तो बहुत सारा है, ये है एक कोम, ये वुडन कोम है, उसके ऊपर बाटिक ब्रास पेंटिंग है और ये कार्टन का है। ये सब तो मैं यहाँ से साड़ी के मैचिंग में बुटीक से कितना सारा ऑर्डर किया, और बुटीक से जब ऑर्डर करती हूँ ना बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मैं साड़ी के मैचिंग में कलर बोलती हूँ सब कुछ। ये सब तो मुझे बुटीक का आधा पैसा में मिला है। अगर बुटीक का प्राइस होगा 600 तो ये मिल जाएगा 250-300 में मुझे मिला है। कुछ कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव था पर बाकी सस्ता में ही मिला है। ये भी देखिए ना, ये है बाउल का जो इस तरह होता है ना, इसका इयर रिंग भी देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ, इतना अच्छा है मुझे खोल के दिखाना है। और ये सब मैं ना जब बुटीक से लेती हूँ तब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये अगर मैं लेती ना बुटीक से तो कितना एक्सपेंसिव होता, देखिए इसका इयर रिंग देखिए, वो बाउल का एक तारा है और इसका पेंडेंट भी। तो मैं कभी कभी करती हूँ अगर ये मुझे अच्छा, ये जैसे मुझे अच्छा लगा है इसका, जैसे ये कोम वाला जो है ना ये शायद मैं चेंज करके दूंगी और वो कड़ी वगैरह शायद चेंज कर दूंगी, मुझे आता है ना ये सब करना। तो बेसिक मुझे ये अच्छा लगा है जो बाउल का एक तारा और उसका कोम मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो ये दो लिया। तो मैं तो हमेशा मुंबई से हमेशा डिफरेंट जो ज्वेलरी बुटीक होता है उनको बोल बोल के कितना मुश्किल से कितना टाइम स्पेंड करके खरीदती हूँ क्योंकि मैं कलकत्ता में नहीं रहती हूँ ना इसीलिए। तो ये भी मुझे एक मिला, तो अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये गोरियाहाट में भी एक्सपेंसिव ही है। और क्या मैंने दिया, हाँ ये ढोलकी दिया देखिए, एक मृदंग है, ढोल है, टंग 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 टंग। तो ये भी मैं सारी ये सब चेंज कर लूंगी, बोरिंग हो जाता है एक जैसा होता है तो। पर ये जो पेंडेंट है स्पेशली इसके लिए मैंने लिया, तो मैं बाद में साड़ी के मैचिंग मैचिंग बना लूंगी अगर देखूंगी मैचिंग नहीं हो रहा, क्योंकि मैं किसी ड्रेस के साथ मैचिंग करके नहीं लिया, जो अच्छा लगा जो मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग है वो मैंने लिया। और ये मैंने लिया एक, अभी कोरी का बहुत क्रेज है, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है इसलिए सब में अभी कोरी है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये कोरी का ये जो है ना ये मेरे पास नहीं था बैंगल, तो ये मैंने लेके आई हूँ। बस और शायद कुछ नहीं है, हाँ और कुछ नहीं है। तो ये ज्वेलरी और ये ड्रेस लिया। तो पूजा शॉपिंग का फैशन मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, गोरियाहाट शॉपिंग से एंड कर रही हूँ। गोरियाहाट शॉपिंग होता है, हो जाता है तो बंगाली खुश हो जाता है। मुझे अभी भी लगता है मैं हर पूजा में गोरियाहाट में शॉपिंग करूँ क्योंकि गोरियाहाट में कुछ ऐसे घूम घूम के जो होता है ना ड्रेस, नहीं गोरियाहाट का ड्रेस मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। गोरियाहाट शॉपिंग शॉप जो है आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय, वहाँ पर मैं लेती हूँ साड़ी, बहुत अच्छा मिलता है। और जो ऐसे ड्रेस है वो मैं घर में पहनने वाली ऐसे लेती हूँ, पर मुझे जांग ज्वेलरी पसंद है और घर सजाने की छोटा मोटा चीज़ भी पसंद है, तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। तो
मैं बोल रही थी ना घर सजाने की छोटा छोटा चीज मैं लेके आती हूँ। हाँ बहुत सारे लेके आई हूँ और सजा भी दिया था। ये अभी तक सजाया नहीं। ये दो है देखिए, ये रियल लग रहा है ना, लग रहा है ना क्या, ये रियल है। तो ये दो लेके आई हूँ, अभी तक कहीं पे सजाया नहीं। ये अभी पैक था, मैं अभी खोल के लेके आई हूँ। तो ये था, तो आज ऐसे एंड करती हूँ। और पूजा जो फैशन का, दुर्गा पूजा फैशन का जो वीडियो ऐसे जो मैंने स्टार्ट किया था, लाइन बाय लाइन आ रहा था एक के बाद एक, आज मैं ये एंड करती हूँ गोरियाट शॉपिंग से। जब मैं बहुत खुश रहिए, पूजो ते खूब खूब आनंद करूँ, खानदान और खूब एंजॉय करूँ, खूब खूब एंजॉय करूँ। और भलो थकून सबा, सुस्थ थकून। जदि देखूँ जो पैंडले प्रचंड भीड़, मास्क पड़े नेबें प्लिज। और कि बोलबो, साजुन गुजुन, आनंद करूँ, भालो थाकूँ। आवार देखा हबे नतून भिडियोते। आमी भिडियो दीतेई थाकबो, आपनारा देखते थाकूँ।